इट इज अबाउट ह्यूमन इमोशंस. फिल्म में अगर देखा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट है तबू और मेरे बीच, एंड और वही फिल्म को होल्ड करता है जो कॉन्फ्लिक्ट है. तो दैट इज़ वाई तबू, वी वॉन्टेड तबू टू डू द फिल्म, बिकॉज आई थिंक ये परफॉर्मेंस कोई और कर नहीं पाता. और इट्स कहानी जो है, लोगों को लगता है कि इट्स अ वेरी मेलो फिल्म. इट्स नॉट अ मेलो फिल्म, इट्स अबाउट अ कैरेक्टर. मुझे लगता है ये अपनी तरीके से एक चिंगम है जो अपनी फैमिली को बचाने के लिए दिमाग से कैसे लड़ता है और दिमाग से कैसे पुलिस फोर्स को मात देता है. और तब्बू का जो कैरेक्टर है आईजी का, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, बिकॉज बहुत ही इमोशनल रीज़न है उसका, और वो कैसे उसे काउंटर करती है और कैसे वो जीतना चाहती है. फिल्म मैंने कल फिर से देखी, और अभी मैं तब्बू से कह रहा था कि इट इज़ अ माइंड ब्लोइंग फिल्म. तो ये मुझे बहुत अश्योरेंस है कि पिक्चर विल, जैसे भी स्टार्ट हो, विल डू वेरी वेल. बिकॉज क्या हमारे पास प्रमोट करने के लिए ना ज़्यादा गाने हैं ना एक्शन है, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू प्रमोट अ फिल्म लाइक दिस, बट इट्स अ फैबुलस फिल्म. सर, जैसे